तो आप एक साल से लगातार विश्वास कर रहे थे, इस बात के लिए आपने टीम से ऐसे बात की? मुझसे कभी बात हुई? मुझे तो पता नहीं, मेरी तो कभी आपसे इसके विषय में कभी बात नहीं हुई, नहीं ना हुई। हाँ जी पापा, टीम से हुई थी कि बस आप विश्वास में आ रहे थे? विश्वास में। हाँ सुनो, ये देखो कितनी, ये कितना बड़ा पॉइंट है। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम हरजीत है और जो चौबार रोड कैरी गांव के रहने वाले हैं, और इनके बेटे की गवाही है जो बता रही कि एक साल हो गया था इसकी नसीर फट जाती थी, इसकी नसीर फटती थी और जो कि नोज ब्लीडिंग होना, और इसके कारण जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जो बता रहे कि एक साल हो गया था इस प्रॉब्लम के कारण काफ़ी परेशान थे, क्योंकि जो बताते कि जैसे हर मंथ हर महीने में जो बता रहे कि 4 से 5 बार तो इसके नाक से इसके नोज ब्लीडिंग होती थी, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता था, जिसके कारण जो बता रहे बहुत परेशान हो चुके थे। गर्मियों के मौसम में तो जो परेशान होते थे, जो बता रहे कि सर्दियों के मौसम में भी ऐसे जो परेशान थे, जो बता रहे कि जब सर्दियों में जो प्रॉब्लम इसे होती थी तो इसके सिर में बहुत ठंडा पानी इसे डालना पड़ता था कि उस समय इसका जो ब्लड है, जो बहुत ज़्यादा ब्लड बहता वो बंद हो जाए। तो जो बता रहे कि इसके लिए जब भी जो डॉक्टर के पास लेकर जाते थे तो डॉक्टर मेडिसिन देते थे, पर मेडिसिन से भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और जो बता रहे कि डॉक्टर ने बताया था कि आप इसके नोज़ का, इसके नाक का एक्सरे करवाएं, उसके बाद पता चलेगा कि जी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि नॉर्मल हम सब जानते हैं कि कभी कभी ऐसी जी प्रॉब्लम होती है, पर इसे एक साल से जी प्रॉब्लम आ रही थी, लगातार इसकी नक्सीर फट रही थी, जिसके कारण जी बहुत परेशान हो चुके थे। पर जी सिस्टर बता रही कि जैसे कि जी लगातार विश्वास करते थे, जो कि परमेश्वर के दास के द्वारा भी हम सीखते कि अपना अंगीकार अच्छा करें, और जब बता रहे कि जी अच्छा अंगीकार करते थे कि जी प्रॉब्लम इनके बेटे के लिए नहीं है, जब बता रहे जब भी हर महीने में जब बता रही जी प्रॉब्लम इसको आती थी तो जी विश्वास ही करते। महीने में कितनी बार आती थी? 4 से 5 बार। एक महीने में 4 से 5 बार इसकी वो नसीर फूट जाती थी जी। बहुत अच्छा। हाँ बताओ आगे। तो पर जी सिस्टर विश्वास करते थे, कच्चा अंगीकार करते थे कि मेडिसिन से भी तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर परमेश्वर ही इसे अब अच्छा करेंगे। और जैसे जी एक अच्छा विश्वास इन्होंने रखा, अंगीकार किया, और जो बता रहे जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड परमेश्वर की ओर से आया कि 3 वीक्स फुली लैंड होगी, और जैसे इनके बेटे के लिए 28 अप्रैल के दिन इनके बेटे के लिए लैंड प्रार्थना हुई थी। पहले हम इस वीडियो को स्क्रीन पर देखते हैं। यस खुदा जी, एक महीने से जो रोज रात को बुखार हो जाता है और एक साल से इसकी नसीब फूटती है और पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता, खुदा तेरी पावर से इसका बुखार आज से चाहे जो नसीर फुटती है, द नेम ऑफ जीसस, सारा अधिकार चाहे, और खुदा इसका मन जो पढ़ाई में नहीं लगता वो लगे। और जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा इनके बेटे के लिए प्रार्थना हुई थी, क्योंकि एक साल से इनकी नक्सीर फटती थी, और जब बता रहे कि इसके कारण इसको फीवर भी हो जाता था, और जब बता रहे कि जो काफ़ी परेशान थे, पर जैसे ही प्रार्थना हुई और परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस बच्चे को छुआ, जब बता रहे कि जब धन्यवाद करते रहे, और भी जब बता रहे कि 3 हफ्ते हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन्होंने अच्छे से चेक किया है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इस बच्चे को फ्री कर दिया जो इसको फीवर रहता था। और प्लस इन्होंने ये भी बताया कि इसका पढ़ने में भी मन नहीं लगता था, उस दिन से परमेश्वर ने इसके मन को बदल दिया, अभी जब अपने पढ़ने पर भी इसका मन लग रहा है, और इस प्रॉब्लम से भी परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। इस गवाही के लिए जो परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे क्रिसिया जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए। माइक दो इन्हें, माइक। जय श्री पापा जी, जय मसीह की जय, जय मसीह, जय मसीह जी। क्रिसिया नो पापा जी, जब इन्हें रात नो बुखार हो जाता है ना शाम दे वेले, ते बड़ा परेशान है ही होना। अच्छा सुनो, एक चीज मुझे बताओ, इसे ये प्रॉब्लम एक साल से थी? हाँ जी।
क्या थी बोलो? एक साल से इसे प्रॉब्लम थी ना, और महीने में 4-5 बार ऐसे इसकी नसीर फूटती थी। हाँ जी। तो आप एक साल से लगातार विश्वास कर रहे थे। हाँ, इस बात के लिए अपने टीम से ऐसे बात की? हाँ जी। मुझसे कभी बात हुई? मुझे तो पता नहीं है, मेरी तो कभी आपसे इसके विषय में कभी बात नहीं हुई। नहीं, नहीं ना हुई। हाँ जी पापा। टीम से हुई थी कि बस आप विश्वास में आ रहे थे? विश्वास में आ। हाँ, सुनो ये देखो कितनी, ये कितना बड़ा पॉइंट है, ध्यान से मेरी और देखो। रात हो जाना फिर वचन ला के दे लागे सोना तो फिर सोना रात। नहीं कोई बात नहीं, रो नहीं, अब तो प्रभु ने सब अच्छा कर दिया ना। सुनो ध्यान से, एक अच्छा मन, मैंने आपको कहा बहुत कुछ हमारे जीवन में पैदा करता है। मेरी और ध्यान से देखो सब, एक साल से नसीर फूट रही और वो भी महीने में 4-4, 5-5 बार, ये नहीं कि गर्मियों में, क्योंकि ज्यादातर लोगों की नसीर गर्मियों में फूटती है ना, पर ये सर्दियों में भी हो रहा था इसके साथ, और सर्दियों में इसके सिर में ठंडा पानी डालते थे। तो आप सोचो ये कितनी तकलीफ में होगी, कितना इनके ऊपर उस समय। हाँ, आपके कितने बच्चे? 3, 2 बेटियां थे, 1 बेटा। यही है बस? हाँ जी। देखो एक ही बेटा है और उसको भी कैसी प्रॉब्लम आ गई ना, समझ आ रही मेरी? क्योंकि जब इसका नसीन अगर फुटती है महीने में 4-5 बार तो उसका ब्लड निकलता है, तो इसे वीकनेस हो सकती है, इसको कमजोरी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकता है, कुछ का मतलब समझ रहे हो? तो इसके लिए फिर आपने कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट करवाया कोई? नहीं पापा जी, बस आप विश्वास में आते रहे, विश्वास कर दे रहे। सुनो ये देखो कितना बड़ा पॉइंट है, एक साल से लगातार विश्वास से आ रहे, मुझसे कोई बात नहीं हुई, मुझसे कोई मीटिंग नहीं हुई, टीम से कोई बात नहीं हुई, लगातार विश्वास से आ रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। जब जब इसे बुखार होता है, कब प्रॉब्लम होती, तो बस वचन लगाकर दे देते। क्या दे देते हैं? वचन लगाकर उसे दे देते हैं, और कोई ट्रीटमेंट नहीं, एक अच्छे विश्वास से बने हुए। बोले क्या बने हुए? फिर आप जब लगातार आते थे, जब भी यहाँ पे जो वचन होता था, प्रार्थना होती थी, तो आप रिसीव करते थे, विश्वास में बने रहे। हाँ जी पापा जी। और जब पिछले महीने की बात है ना, 28 अप्रैल की है ना, तो अप्रैल महीने में जब परमेश्वर ने ये परफेक्टिक आपको दिया, 3 वीक्स 3 हफ्ते की फुली ले हैंड प्रार्थना, तो कितनी बार इस पर वो प्रार्थना हुई? 1 बार के 2 बार या 3री बार? कब ये ठीक हुआ? 3री बार पापा जी ठीक हुआ। जब 3री बार हुई तो उसके बाद, जब पहली बार हुई तो प्रॉब्लम थी थोड़ी? हाँ जी पापा जी, दो एक बार ना बाद में काम नहीं, जैसे ध्यान, कोई बात नहीं, आराम से बात करो। जैसे पहली बार जब पहले हफ्ते इस पर ले हैंड हुई, हाँ, तो तब दोबारा प्रॉब्लम आई हुई? हाँ, थी। हाँ जी पापा जी, दो बार हो गई थी। हाँ जी। जब सेकंड बार हुई, बाद नहीं, मतलब कम हुई? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। जब 3री बार हुई, पूरा फ्री हो गया है। हाँ, अब ध्यान से सुनो, ये ऐसे परमेश्वर ने क्यों वचन दिया कि 3 हफ्ते फुली, मतलब लगातार, जैसे मान लो जब प्रार्थना होती है तो हर बार नए नए लोग, नए नए अपनी अपनी, तो मैंने कहा कि जिसकी भी जो प्रार्थना होगी वो अपना फॉर्म अपने पास रखना, ये नहीं एक बार होगी तो बस दूसरी बार नहीं, तीनों बार ही अपनी उस प्रार्थना को करवाना है। क्या करवाना बोलो? तीनों बार ही उस प्रार्थना को करवाना है, एक बार नहीं, उसको 3 बार करवाना है। ऐसा परमेश्वर क्यों करता है? क्योंकि वो मनुष्यों के मन को जानता है, उनके मन में क्या है किसे पता है? किसको बताए? आपके अंदर कितना विश्वास है किसको बताए? वो सब बातें जानता है। इसलिए परमेश्वर को पता था कि ये कैसे अच्छे हो सकते हैं, कैसे हील हो सकते हैं, कैसे ये छुड़ाए जा सकते हैं, परमेश्वर को पता था। बोलो क्या था? पर सबसे मुझे, मैं हैरान इस बात से हूं कि एक साल से इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, यहां पे तो 1-2 हफ्ता कैसे का महीना बीत जाए तो वो तो पता नहीं क्या क्या। इन्होंने एक बार भी कभी टीम के साथ बात नहीं हुई, कभी मेरे से बात नहीं हुई,
बोलो क्या है कि ऐसे हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है, एक ही बेटा है, कुछ भी कल को हो सकता है, पर संदेह नहीं किया, शक नहीं रखा, डरे नहीं, अच्छे फेथ में बने रहे, विश्वास में बने रहे, वचन को सुनते रहे, खुदा के घर में आते रहे, और सही समय पे जब परमेश्वर ने वचन दिया स्वर्ग से, बोलो क्या है, तो खुदा ने उस वचन से इस बच्चे को छू लिया और आज आपके सामने है। आज कितना टाइम हो गया है? पापा जी महीना चला गया, एक महीना हो गया है। हाँ जी। अब कोई नसीब नहीं फुटती, कुछ नहीं होता। नहीं पापा जी, अपने अच्छे से चेक कर लिया है। हाँ जी पापा जी, तो स्कूल भी जाता जो। अच्छा, स्कूल भी, पहले स्कूल भी नहीं जाता था, तो जो रात को बुखार होता था ओदो पापा जी बड़ा परेशान होने रहा। नहीं, कैसे, रोज होता था? रोज ही हो जाता है, शाम को दिन ने चंगे पड़े। अब बुखार भी चला गया, स्कूल भी जा रहा है, वो नसीर जो महीने में 4-5 बार फटती थी उससे भी क्या हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया है। कितने विश्वास करते हैं, क्योंकि लिखा जो वचन ऊपर से आता है। अब सुनो ध्यान से इसे, ये अगर आप लाइन में खड़े हो, प्रेयर लाइन में खड़े हो, आप किस मन से उसे आप प्रार्थना करवा रहे हो, या करवाकर जब आप घर जा रहे हो, पूरा हफ्ता आप क्या कर रहे हो, पूरा महीना आप क्या कर रहे हो कि बस लाइन में खड़े हैं और होगी प्रार्थना जी, बस ठीक है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक बच्चा, वो उसने ना ऐसे ब्लेसिंग का फॉर्म भरा, अपनी ब्लेसिंग का, तो मैंने कहा कि अगर तू ब्लेसिंग चाहता है, मैंने प्रेयर नहीं की, तो मैंने कहा अगर तू ब्लेसिंग चाहता है तो वचन को पूरा कर, तू 12 बजे अपना काम धंधा करके 12 बजे आ रहे भाई, पहले खुदा के वचन को पूरा कर, क्या कर, और जब तू करेगा तो खुदा तेरे सारे रस्तों को खोलेगा, क्या खोलेगा, वचन को पूरा किया है। आज आपके सामने ही है, भला चंगा बच्चा है, कोई कुछ नहीं है, स्कूल जा रहा है, कोई बुखार नहीं है, देखो उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि छोटा बच्चा है ना भाई, तो जब रोज रात को बुखार होता था ये सोता नहीं था, ये भी परेशान होते थे, मेहनत, ये है ना, मेहनत करते हैं, रात को आराम चाहिए, तो नहीं, अब रो ना, कोई बात नहीं, अब तो खुदा सब कुछ अच्छा कर चुका है ना, समझ आ रही है, पर उस समय की तकलीफ याद आ रही है इसलिए आंखों में आंसू आ रहे हैं, बोलो क्या आ रहे हैं, पर वो सच्चा खुदा है, वो पक्षपात नहीं करता। मैंने क्या कहा, वो सच्चा खुदा, वो पक्षपात, वो इक्वल प्रेम करता है, बराबर प्रेम करता है। जितने लोगों ने भी ये प्रार्थना करवाई है, ये 3 वीक्स की, 3 हफ्ते की, जिनकी गवाही नहीं बनी, मैंने कहा सबकी बनने वाली है। आमीन, तारीफ कर दो इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े काम के लिए, जोर से अपने हाथों को हिला, और रिसीव करो, अपने लिए भी रिसीव करो। यहोवा अनोखे काम करी जाए, करी जाए यहोवा।